खबर शिवपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिला अस्पताल से है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि अस्पताल परिसर में एक बाइक चोरी का मामला सामने आया है। बताना होगा कि राजकुमार शर्मा की बाइक चोरी हो गई थी। जानकारी के अनुसार राजकुमार शर्मा नेत्र विभाग में नेत्र चिकित्सक सहायक के पद पर पदस्थ हैं। इनकी बाइक की डिग्गी में 2,00,000 रुपए रखे थे। सुबह 10:30 बजे जब वह अपनी ड्यूटी के दौरान ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने अपनी गाड़ी 10:30 बजे पार्क की और ऑफिस चले गए। इसके बाद 12 बजे वापस आए तो देखा कि गाड़ी पार्किंग में नहीं है। बताना होगा कि राजकुमार शर्मा के छोटे भाई का मकान का काम चल रहा है। कुछ सामान खरीदने के लिए वो पैसे लेकर आए थे लेकिन बाइक के साथ रुपए भी चोरी हो गए। इसकी जानकारी राजकुमार शर्मा ने तुरंत चिकित्सक गिरीश चतुर्वेदी को दी। गिरीश चतुर्वेदी ने तुरंत ही TI कोतवाली का मामला बताया और पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। राजकुमार शर्मा जी हैं, नेत्र विभाग में कार्यरत हैं। तो आज वो ऑफिस आए थे और बैंक में कुछ पैसे जमा करके और 2,00,000 रुपये उनकी डिक्की में रखे हुए थे। वो आगे उन्होंने यहाँ पार्किंग में रखे हैं और आधा घंटे बाद जब वापस गए उनकी गाड़ी चोरी चली गई। ये गाड़ी नेत्र विभाग जो पीछे है हॉस्पिटल के वहाँ की पार्किंग से गई है। पता पड़ा पैसे कहाँ से लेकर आए? पैसे इनके पास कुछ घर पे रखे थे, खेती के थे कुछ पैसे और कुछ उनको आज सामान खरीदना था इसलिए वो पैसे लेके आए थे। तो जैसी हमें सूचना मिली है हम लोग अब CCTV से तलाश कर रहे हैं। मैं राजकुमार शर्मा, आज आपकी गाड़ी में से जो मैं नेत्र विभाग में नेत्र चिकित्सा के पद पर हूँ और सुबह 10:30 बजे मैं अस्पताल में आया था। क्योंकि मेरे भाई का घर पर काम चल रहा है तो मेरी डिक्की में गाड़ी की में 2,00,000 रुपये रखे थे। 4 पासबुकें रखी थी, ऑफिस की 2 पेन ड्राइव थी और घर की और ऑफिस की चाबियाँ थी। तो गाड़ी मैंने स्टोर के सेंट्रल स्टोर के पार्क में लगाई थी और फिर मैं नेत्र विभाग में चला गया। दस्तखत करने के बाद फिर मैं नोट शीट वगैरह बना रहा था और मुझे कलेक्टर सर के ऑफिस में जाना था। तो 12 बजे जब मैं गाड़ी के पास आया पार्किंग में तो वहाँ मेरी गाड़ी नहीं थी। तो तत्काल बाद डॉक्टर चतुर्वेदी जी को बताया, उन्होंने TI साहब को फ़ोन किया और वहाँ का CCTV देखा तो उसमें 11:35 पर 2 लोग गाड़ी के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और गाड़ी लेके और वो CCTV में जाते हुए देखे थे। मेरे भाई का घर पे काम लगा है, वो लोहे का सामान और सीमेंट वगैरह खरीदना था, वो ट्रैक्टर लेके आ रहा था। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि भाई साहब वो पेमेंट वगैरह करना है तो उसके चक्कर में मैं पैसे रख के लगा 2,00,000 रुपये लेके आया था। आप शायद बैंक वगैरह? हाँ, बैंक से मैं निकला था, मेरे को पासबुक एंट्री करनी थी। तो